बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 12th की फर्स्ट बुक पार्टनरशिप, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बाकी चैप्टर्स की बन चुकी है, आई होप कि आपने वो सारी वीडियोस को देखा होगा। और हर एक वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने के लिए, और जब वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपके डाउट में रह जाता है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बच्चे डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर अगर हम बात करें इसकी वेटेज क्या है एग्जाम में, तो पहले इसकी वेटेज हुआ करती थी 6 मार्क्स की, अब शायद ये 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 नंबर तक आ सकता है, मिनिमम 4 नंबर तक आएगा। ठीक, तो हम फिर भी इसकी 4 नंबर की वेटेज मान के चलते हैं। ठीक है, उसके पीछे का रीजन ये है एनपीओ के आने का। एनपीओ के आने से कई चैप्टर्स की वेटेज कम हो गई है, क्योंकि एनपीओ अलग से एक 10 मार्क्स का चैप्टर है, वो भी हम करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। और जब मैं आपको कराऊंगा एनपीओ, देन उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और 101% आपको 10 out of 10 मार्क्स मिलेंगे उसमें। डेथ ऑफ पार्टनर की अगर हम बात करें तो इसके में होता क्या है, तो ये समझते हैं। मान के चलो ए और बी दो पार्टनर थे, सी बाद में आ गया। अब ए और सी की अच्छी बनती है लेकिन बी और सी की नहीं बनती, तो ऐसे में आफ्टर बिजनेस जब बी अपने घर जा रहा था तो सी ने उसका एक्सीडेंट करवा के उसको मरवा दिया, जैसे पुरानी मूवीज में होता है। तब बी के मरने की वजह से बेटा अब होगा क्या कि जो बी की जो फैमिली है वो कंपनी में जाएगी और कहेगी कि मेरा जो ये पर्सन था बी, हमारी फैमिली का मेंबर था, वो आपके बिजनेस में एक ऑनरशिप मतलब पार्टनरशिप के साथ काम कर रहा था, और ऐसे में बी ने जितना भी पैसा लगाया है या बी के हिस्से का जितना भी पैसा है वो हमें दे दो, क्योंकि अब बी इस दुनिया में नहीं रहा, तो इस कंडीशन पे अब हमें वो पैसा मिल जाना चाहिए। उसके बीवी बच्चे उसकी फैमिली में हो सकते हैं, उसके मम्मी पापा हो सकते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब बी की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि बी को मिलेगा क्या क्या, अब वो देखने वाली बात होगी। तो उसके लिए हम बनाते हैं बी का कैपिटल अकाउंट। बी का कैपिटल अकाउंट बनेगा बच्चे, अब हमें ये देखना है कि बी की फैमिली को क्या क्या मिलेगा। यहां लिखोगे आप डेबिट, यहां लिखोगे आप क्रेडिट, यहां लिखोगे रुपीस, यहां लिखोगे पर्टिकुलर। ठीक है, रुपीस पर्टिकुलर। वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मैं अपने मोबाइल के कैमरे से बना रहा हूँ और मुझे कैमरे की सेटिंग मुझे अच्छे से आती नहीं है, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो बी की कैपिटल में हम सबसे पहले क्या क्या देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो भी कैपिटल का उसका बैलेंस पीटी था, जो भी अमाउंट था बी के हिस्से का कैपिटल में जो बैलेंस शीट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट देना होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट भी यहाँ पर आ जाएगा, और अगर बी ने कोई ड्राइंग ले रखी होगी तो वो ड्राइंग हम उससे ले लेंगे, तो आप यहाँ पे ड्राइंग्स लिखोगे। अगर उसने कोई ड्राइंग निकाली होगी तो आप ड्राइंग ले लोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो अमाउंट भी आप उससे ले लोगे। ठीक है, अब बी अगर जॉब मतलब सॉरी सैलरी अगर ले रहा होगा पिछले कई सालों से, तो ऐसे में जब वो मरा है तो वो सैलरी भी मांगेगा, मतलब उसकी फैमिली मांगेगी, वो नहीं मांगेगा। ठीक है, अब
देखो जब डेथ होती है तो डेथ बता के तो होती नहीं है कि कौन सी डेट को होगी, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मार्च 31 को ही डेथ होगी, ऐसा तो होगा नहीं। डेथ कभी भी हो सकती है, जून में हो जाए, जुलाई में हो जाए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी कभी भी हो जाए, ठीक है। तो मान के चलते हैं जैसे जून 30 को अगर डेथ हो रही है, लेट सपोज इसको मानते हैं कि डेथ हो रही है जून 30 को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने उसने काम किया तो पर मंथ के हिसाब से उसको सैलरी मिल जाएगी 3 महीने की। तो अगर सैलरी चाहिए तो आप सैलरी भी लिखोगे, पता कैसे चलेगा? तो बेटा ये क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा इसके बाद और क्या होगा, और बी को हमें और क्या देना होगा? हमें उसको देना होगा कमीशन। क्या देना होगा? कमीशन। अगर कमीशन की डिमांड अगर वो करता है तो हम उसको कमीशन भी दे देंगे। कमीशन की जो कैलकुलेशन है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हम उसको कमीशन दे देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। आगे हमें ये देखना है कि क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दे रखा है। अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में अगर कोई रिजर्व होगा तो वो हम उसको दे देंगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिजर्व। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, अब यहां पे बात ध्यान देने वाली ये है कि बेटा रिजर्व में सिर्फ उसका हिस्सा आएगा, पूरा रिजर्व नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल मान के चलो कि बैलेंस शीट, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे रिजर्व लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व लिखा हुआ है 10,000 रुपए, ठीक है। और जो ए बी और सी जो थे बेटा, इनका जो रेशियो था, इनका रेशियो था 1:2:1, 1:2:1 ये इनका रेशियो था। तो ध्यान रखो कि पूरा 10,000 आपको नहीं लिखना, आपको 10,000 का 2/4 लिखना है, तो आप इसका 2/4 हिस्सा निकालोगे और वो लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो कमीशन का भी आपने पैसा लिखा, आपने रिजर्व का भी पैसा लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? और क्या अच्छा अगर बैलेंस शीट में असेट्स में कोई रिजर्व दे रखा है, अगर बैलेंस शीट में असेट्स में कोई रिजर्व दे रखा है तो वो हो जाता है लॉस एक तरह का पार्टनर के लिए, और वो हम यहां पे लिखेंगे। क्लियर पॉइंट? ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, क्वेश्चन कहेगा तो बनाना है, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा बनाना है, क्वेश्चन कहेगा तो बनाना है। तो रिवैल्यूएशन में अगर आपको हो गया प्रॉफिट तो बेटा बी का हिस्सा लिख देना, सिर्फ बी का हिस्सा मैं कह रहा हूँ, ओनली बी का शेयर लिखोगे आप और कुछ नहीं लिखोगे, ओनली बी का शेयर। लेकिन अगर बाई चांस हो गया लॉस तब लिखोगे बेटा रिवैल्यूएशन में लॉस, और वो यहां लिखोगे लॉस हुआ तो यहां लिखोगे और प्रॉफिट हुआ तो यहां लिखोगे। तो ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। बी की डेथ हो रही है तो आने वाले सालों में जो प्रॉफिट होगा वो ए और सी बांटेंगे आपस में इक्वली। बी ने अपना हिसाब से छोड़ दिया क्योंकि उसकी डेथ हो गई, तो बेटा जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका हिस्सा भी ए और सी बांटेंगे एक तरह से, क्योंकि तीन हिस्से नहीं होंगे अब, आप सिर्फ दो हिस्से होंगे आने वाले प्रॉफिट से। तो ऐसे में हमने एक बात सीखी थी पहले कि अगर कोई पार्टनर अपने हिस्से का प्रॉफिट देता है तो बाकी पार्टनर उसको गुडविल देते हैं,
बी ने अपने हिस्से का प्रॉफिट दे दिया, तो ए और सी का ये कर्तव्य है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उसको गुडविल देनी होगी। तो ए और सी मिलकर बी को गुडविल देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज एंड सी इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखता हूँ बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, या खाली गुडविल कहना। बेटा किस रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो में होगा, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है बेटा। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, गुडविल करने के बाद, ये ट्रीटमेंट करने के बाद अब हमें और क्या देना होगा इसको, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बैलेंस शीट में भी गुडविल गिवन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट में भी ऑलरेडी गुडविल गिवन होती है, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल, पुराने गुडविल। बेटा ये लॉस होता है और ये बी में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ बी के हिस्से तक बस, मैं यहां लिखूंगा बी शेयर। जैसे यहाँ पे था 10,000 का 2/4 करोगे, तो वैसे यहाँ पे कुछ भी अमाउंट होगा 20-25,000 जो भी होगा, तो उसका भी 2/4 ही करोगे, ठीक है। तो वो अमाउंट यहाँ पे लिखोगे आप, क्या ये वाली बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। इतना करने के बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा प्रॉफिट का, रीवैल्यूएशन का। प्रॉफिट तो आपने दे दिया, लेकिन कई बार बिजनेस अपना काम करता है, जैसे जून 30 को अगर जैसे मरा है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक बिजनेस ने कुछ ना कुछ तो कमाया होगा, तो उसमें उसको हिस्सा चाहिए। ध्यान रखना कि बी नहीं मांग रहा, बी की फैमिली मांग रही है कि भैया हमारा एक फैमिली मेंबर आपके पास काम करता था, आपके बिजनेस में मालिक था, आपका पार्टनर था, और अब हमें उसके हिस्से का जो भी अमाउंट बनता है वो हमें चाहिए। तो 3 महीने तक उसने काम किया है, और जितने भी टाइम तक उसने काम किया है, तो बिजनेस ने कुछ तो पैसा कमाया होगा, तो उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है वो हमें दे दो। तो उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, और उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। इन केस अगर प्रॉफिट होता है तो, और इन केस अगर लॉस हुआ तो ये अपोजिट साइड चला जाएगा, मतलब इधर की साइड चला जाएगा। तो मैं लिख देता हूं टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इन केस अगर लॉस हुआ तो। ध्यान रखो इसमें सिर्फ बी का हिस्सा चाहिए, सारा का सारा प्रॉफिट नहीं चाहिए, ये भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस होता है ये असेट्स में भी आप शो करते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको क्लोज, इसको हम करेंगे क्लोज। इसका टोटल करोगे बेटा, इसका करोगे टोटल और यहां लिखोगे। ये लिखने के बाद ये सेम अमाउंट लिखोगे यहां पे, और ये सारी आइटम इसमें से माइनस करोगे, और जो अमाउंट बचा बेटा उसको आप किस नाम से लिखोगे, आप लिखोगे 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर से आपने निकाला है 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो सिर्फ इतना काम करना है और आपके 4 या 6 नंबर कंफर्म पक्के हो जाएंगे। अब इसके आगे और कौन सा अकाउंट बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मेन यही है, फिर भी इसके अलावा और कौन सा अकाउंट बनता है वो भी देखूं। अगर बाय चांस मान के चलो कि हमें इसको कुछ पेमेंट करनी है इसकी फैमिली को, और ये अमाउंट है बहुत ज्यादा 25 लाख रुपए, अब 25 लाख रुपए बिजनेस एक बार में तो दे नहीं सकता, 25 लाख रुपए बिजनेस एक बार में दे नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ऐसे में बिजनेस में अगर इतना हार्ड कैश अगर चला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी लिक्विडिटी की। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम कुछ इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं, बाकी सारा अमाउंट नहीं देते हैं।
तो ये मैं बना रहा हूँ 20 एजुकेटर अकाउंट, मतलब उसकी फैमिली का अकाउंट, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उस पर्सन का, उसका अकाउंट बना रहा हूँ मैं ये। तो 20 कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और आप लिखोगे यहाँ पे 20 कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना, आप जिन बच्चों को पता है कि यहाँ पे 20 कैपिटल अकाउंट कैसे आया वो मुझे समझा सकते हो कमेंट करके, जिनको नहीं पता वो हाथ खड़े करें, मतलब कमेंट में बताएं कि उनको नहीं पता, ठीक है। 20 कैपिटल अकाउंट और आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक, यही अमाउंट यहाँ लिखोगे, ध्यान रखना ये वाला अमाउंट। मान के चलो ये अमाउंट 25 लाख रुपए है, और अभी ए और सी जो बाकी पार्टनर्स बचे हैं वो कह रहे हैं कि सर एक काम करो, क्योंकि अब आपका जो फैमिली मेंबर है वो जा चुका है, और ऐसे में अब हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर 3 पार्टनर थे तो बिजनेस अच्छे से चल रहा था, पैसा था हमारे पास, लेकिन अब हम रह गए हैं 2 पार्टनर, और ऐसे में हमें कैश की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप 25 लाख तो नहीं, आप एक काम करो 5 लाख रुपया भी ले लो, बाकी 20 लाख की हम इंस्टॉलमेंट कर लेंगे और बारी बारी से आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो जब वो कहता है कि पेमेंट ले लो भैया 5 लाख की, तो बेटा 5 लाख की पेमेंट आप यहाँ लिखते हो, किस नाम से लिखते हो, कैश या बैंक के नाम से लिखते हो, आप चाहो तो बैंक भी लिख सकते हो। क्वेश्चन अगर कहता है कि आपने BR दे दिया है 200 रुपए, BR दे दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो BR, ठीक है। बाकी जो बैलेंस बचेगा आप उसको, ये वैसे तो यहाँ पे क्लोज करोगे बच्चे, सबसे पहले तो क्लोज करो, ये अमाउंट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये अमाउंट सेम अमाउंट यहाँ लिखोगे, सेम अमाउंट यहाँ लिखोगे। अब बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि मान के चलो ये 25 लाख था और इसमें से अगर 5 लाख गया तो बचाइए 20 लाख रुपए, और ये आप बेटा किस में डालोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप डालोगे बेटा 20 एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ये ध्यान देने वाली बात है, ये भी अपने बैलेंसिंग फिगर से बनाया। पहले क्या होता था, पहले 3 अकाउंट बनते थे, पहले 3 अकाउंट बनते थे, 20 कैपिटल, 20 एजुकेटर, फिर 20 एजुकेटर लोन अकाउंट। अब क्या होने लगा है कि सिर्फ 20 एजुकेटर अकाउंट ही बन जाता है और इसी में सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन आप ये लिख दो, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सेटलमेंट कैसे करनी है, इसकी सेटलमेंट कैसे करनी होगी बाद में, ठीक है। तो ये तो था हमारा टॉपिक इसका, डेथ का, जिसमें मैंने आपको आज फॉर्मेट बताया, ये फॉर्मेट है इसका। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये वाला, ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस को, ये क्या होता है, ये है कि मान के चलो कि भाई 3 महीने तक उसने काम किया, 4 महीने तक उसने काम किया, और ऐसे में बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ उसमें उसका हिस्सा दे दो बी को, बी की फैमिली को मतलब। लेकिन अब ये एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि 3 महीने का प्रॉफिट कैसे, बिजनेस पूरे साल भर चलता है, और ऐसे में आपको प्रॉफिट भी पूरे साल भर का ही कैलकुलेट कर सकते हो, आप 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाई चांस अगर 3 महीने में ज्यादा सेल हो गई तो आपको बाकी पार्ट ए और सी जो है उनको लॉस हो जाएगा, तो वो कहेंगे कि भैया यार ये 3 महीने का ही हमारा क्या कहते हैं मौसम चलता है, ये कह सकते हैं कि बाउंस आता है मार्केट में और उसी का ही प्रॉफिट ले जाएगा, तो बाकी का जो लॉस होगा बाकी सालों का, मतलब बाकी महीनों का, वो कौन बियर करेगा। मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने का तो प्रॉफिट होता है, उसके बाद फिर बिजनेस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चलता है, और लास्ट वाले साल में तो, मतलब साल के लास्ट वाले महीने में तो टोटली लॉस होने लग जाता है। तो ये बी जो है वो तो बहुत चालू हो जाएगा अगर हम इसकी फैमिली को अगर स्टार्टिंग 3 महीने का प्रॉफिट दे देंगे, तो बाकी जो महीनों का जो लॉस है वो कौन बियर करेगा। तो ऐसे में आप महीनों का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते जिस महीने उसने काम किया, आप उसके लिए पिछले सालों का कुछ प्रॉफिट है उसको बेस मान के आप काम करोगे,
तो इसकी कैलकुलेशन करने के जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूं। बात करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन। मेथड ऑफ कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर पॉइंट। अब इसके अंदर क्या है चीजें बेटा, इसके दो तरीके के मेथड है बेटा, दो तरीके के मेथड। पहला जो मेथड है वो है मेथड बेटा आपका सेल्स टर्नओवर मेथड, सेल्स टर्नओवर मेथड। और दूसरा है आपका प्रॉफिट मेथड। अब इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कह सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉफिट मेथड ही बोलूंगा यहाँ पे अभी, उसके पीछे का रीजन है देखो। तो प्रॉफिट मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है लास्ट ईयर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड की अगर हम बात करें तो बेटा इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। आपको कुछ सालों का प्रॉफिट दे रखा होगा, 3 साल 4 साल का, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उतने ही सालों का प्रॉफिट प्लस करना है और उसको डिवाइड कर देना है उतने ही सालों से। 3 साल का प्रॉफिट है तो तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करो और 3 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो जितने महीने तक उसने काम किया। तो उसने काम किया 3 महीने तक, तो 3/12 कर दिया। उसका शेयर क्या है, उसका शेयर है 2/4। क्या ये वाली बात समझ में आई? पहले तो आपने एवरेज निकाला, एवरेज को आपने किया 3 महीने, क्योंकि देखो जो एवरेज निकालोगे वो निकलेगा पूरे साल भर का, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 3 महीने का निकालना है तो 3/12 किया, फिर उसमें भी उसका हिस्सा निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहता लास्ट ईयर, तो जैसे क्वेश्चन है आपका 2020 मार्च का, तो आप प्रॉफिट किसका लोगे, तो आप प्रॉफिट लोगे 2019 मार्च का। ऐसे टॉपिक में क्या होगा, ये बोल देगा कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसी को बेस मान के प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, तो आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चन आपका 2020 मार्च का है तो आप 2019 मार्च का प्रॉफिट ले लोगे। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट लोगे बेटा यहाँ पे, इंटू करोगे वही जितने महीने तक उसने काम किया और उसका उसमें शेयर, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ अमाउंट आ जाएगा जो आप लिखोगे बाद में बेटा प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। क्या ये चीज क्लियर हुई आपकी? ठीक है। सेल्स टर्नओवर मेथड की अगर हम बात करेंगे तो बेटा सेल्स टर्नओवर मेथड में अब यहां पर इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जितनी भी 3 महीने में सेल हुई है उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट निकाल दो। तो इसके निकालने का जो तरीका है वो क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है पॉइंट। वो देखो आप जरा ये कि सेल्स टर्नओवर मेथड कैसे काम करता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सेल्स टर्नओवर मेथड की, तो बच्चे इसके अंदर आपको एक चीज जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी सेल्स, क्योंकि जो टॉपिक का नाम ही सेल्स टर्नओवर है तो सेल्स के बेस पे ही हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका है बेटा, फॉर्मूला जो है बेटा वो फॉर्मूला है लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर सेल इनटू उसका शेयर, इनटू उसका शेयर, तो 2/4 इनटू में करंट ईयर की सेल, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो,
प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इंटू करंट ईयर सेल इंटू में उसका शेयर। दूसरा तरीका भी है इसको निकालने का, आप लिख सकते हो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट प्रीवियस ईयर सेल इंटू में 100 इंटू करंट ईयर इंटू 2/4। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई हुआ, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना, अगर आपको पता है तो मुझे बताओ, कमेंट करो, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है बेटा, वो प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को पता ही नहीं कि फॉर्मूला बना कैसे। और अकाउंटेंसी के लिए तो स्पेशली बोला भी गया है कि कोई हमसे ये ना पूछे कि भैया ये ऐसा क्यों होता है। तो अगर इस तरीके से काम चलेगा तो बेटा कैसे होगा जो, क्योंकि ये तो रट्टा क्वेश्चन हो जाएगा फिर, क्योंकि आपको फॉर्मूला ही नहीं पता कि ऐसा क्यों बन रहा है। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को पता है फॉर्मूला कैसे बना तो वो मुझे समझाए, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और सेम चीज एक क्वेश्चन और है बेटा आपके लिए, वो है ये वाला कि प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस को हम बैलेंस शीट में असेट साइड क्यों लिखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, जिस बच्चे को पता है वो मुझे कमेंट करे, और जिसको नहीं पता तो एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर 12th में अच्छे मार्क्स या कैसे भी करके आप पास हो गए बिना नॉलेज के, सिर्फ फॉर्मूले रट के, तो जब आप बेटा प्रैक्टिकली जब जॉब करने जाओगे तो कैसे काम चलेगा, वहां पर तो प्रैक्टिकल नॉलेज। और यही रीजन है कि बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती कि टॉपिक को करना कैसे है। और रियल लाइफ जब ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो रियल लाइफ है, जब आप एक अकाउंटेंट की जॉब करोगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपकी लाइफ एग्जाम्पल होगा आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम ऐसी होगी कि बॉस कहेगा कि भैया आपने सीखा क्या अभी तक। वहां पे आपको अपना माइंड, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होगी, वो क्रिएटिविटी आपसे तभी दिखा सकते हो जब आपको ये फॉर्मूले पता हो कि ऐसे क्यों यूज हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन कभी भी एज इट इज नहीं आएगी जैसे बुक में क्वेश्चंस होते हैं। जब जॉब करोगे तो बुक के क्वेश्चन जैसे प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपके रियल लाइफ की। तो आप देखोगे कि राम ने मोहन, या फिर मैंने इसको पेमेंट करनी थी, मैंने इसको ये पेमेंट नहीं करी, तो अब मैं क्या करूं, मुझे ITR कैलकुलेट करना है, कैसे करूं। बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ की आपकी प्रॉब्लम है, जो रियल लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय बेटा। वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, अगर कोई सजेशन हो, अगर अच्छी लगे तो भी कमेंट कर सकते हो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उन सभी लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। और मेरा जो टारगेट है वो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवाना, जिसमें जैसे आप हो वैसे और बच्चे हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना अच्छे से ख्याल रखो और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ।